इमरान सैफी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस आने वाली हमारी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेस वे के पहले पैकेज के बारे में। हाँ दोस्तों, दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ किया गया है और हम आपको इस पूरे दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेसवे के पार्ट टू पार्ट पैकेज के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन फिलहाल हम अपडेट देंगे आपको पहले पैकेज के बारे में, कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई है। फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की गई है। दोस्तों, इसकी दिल्ली काटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे की DPR तैयार कर ली गई है पहले पैकेज की, और पंजाब के भीतर अमृतसर के चारों ओर आधा रिंग बनाने से उसके हवाई अड्डे के पास जुड़ने के लिए 306 किलोमीटर से 99 किलोमीटर स्तर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, 306 जिस तरह से मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, नक्शे के अंदर दर्शाया गया है 306 से स्टार किया जाएगा इसको और 99 किलोमीटर स्तर का निर्माण इसका किया जाएगा। इस पहले पैकेज का हरियाणा भारत माला परियोजना के तहत रूखे पानी गज किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 34.44 किलोमीटर के पास रोहतक पानीपत रोड NH9 के साथ KMP एक्सप्रेसवे से खुसूर से ग्रीनफील्ड दिल्ली अमृतसर में तब्दील कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये दिल्ली काटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का पहले पैकेज का डाटा, जिसका DPR तैयार कर लिया गया है और इसको NHAI BMDA की एक्सप्रेसवे को दे दिया गया है। ये 34 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जिसको तैयार किया जा रहा है और आगे भी इसका अपडेट है। और इसकी जो लागत है 1040 करोड़ रुपए की इसकी लागत बताई गई है इस एक्सप्रेसवे की। इसकी जो लागत है वो 1040 करोड़ रुपए की लागत है जो इसकी बजट इसका आया है। तो दोस्तों, ये पहले पैकेज का DPR अपडेट कर दी गई है और बहुत जल्द इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट कल वीडियो हम लाएंगे इसके दूसरे पैकेज के ऊपर, दूसरे पैकेज में इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।